हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता एंड एज वी स्टार्टेड आवर सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 चैप्टर नंबर 5। सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने देखा कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी ड्रग सब्सटेंस के अंदर किस तरीके की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके बायोलॉजिकल एक्शंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उसमें ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसकी वजह से उसके थेराप्यूटिक एक्शंस, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस डिसाइड होते हैं। तो इसके अंदर हमने चार प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। फर्स्ट थी हमारी सॉल्युबिलिटी, सेकेंड थी पार्टीशन कॉफिशियंट, थर्ड थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फोर्थ थी कॉम्प्लेक्सेशन या चिलेशन। तो इसी सीरीज में फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे जो ड्रग्स रहती है ना, ठीक है, वो आयनाइज फॉर्म में भी हो सकती है और अनआयनाइज फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब जब वो आयनाइज होती हैं तो किस तरीके के फीचर्स यहाँ पर शो करती हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करती हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग, ड्रग का आयोनाइजेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस, कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है वो या तो वीक एसिड होती हैं या वीक बेस होती हैं एंड कैन एग्जिस्ट इन आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्टेट। और किस फॉर्म में पाई जाती हैं, आयनाइज्ड हो सकती हैं या अनआयनाइज्ड स्टेट के अंदर ये हो सकती हैं। एंड द आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स पीकेए एंड पीएच। और किसी भी ड्रग का जो आयनाइजेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके पीकेए और पीएच पर डिपेंडेंट होता है। क्या कह रहे हैं हम कि जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती है ना वो कैसी होती है नेचर में, या तो वो वीक एसिड होती हैं या वीक बेसिस होती हैं और आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती है। तो अगर कोई ड्रग अपने यहाँ आयनाइज हो रही है तो उसके आयनाइजेशन की जो रेट रहेगी, कि किस रेट से वो आयनाइज हो रही है, वो किस पर डिपेंड करेगी, उसकी पीके वैल्यू और पीएच वैल्यू पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल आता है कि इस आयनाइजेशन से होगा क्या, कि दिस आयनाइजेशन इम्पार्ट्स अ गुड वाटर सॉल्युबिलिटी टू द ड्रग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग एंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, वेयर इज अनआयनाइजेशन हेल्प्स अ ड्रग टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमने ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ड्रग्स जो हैं या तो वो आयनाइज फॉर्म में होंगी या अनआयनाइज फॉर्म में होंगी। अगर ड्रग आयनाइज होती है यानी कि उनका आयनाइजेशन यहाँ पर होता है, तो उसके रिजल्टेंट क्या देखने को मिलता है, उसके रिजल्टेंट ये जो ड्रग्स होती हैं इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है, यानी वो ड्रग्स जो कि आयनाइज होंगी तो वो इजीली वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएंगी, ठीक है। उनकी जो बाइंडिंग है रिसेप्टर के साथ वो अच्छे से होंगी, तो ड्रग रिसेप्टर जो बाइंडिंग होंगी, ड्रग रिसेप्टर जो इंटरेक्शन होंगी वो यहाँ पर अच्छे से होंगी। जबकि अगर एक ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में हुई तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अगर आयनाइज हुई तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन अच्छे से होती है, और अगर ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में हुई तो ड्रग जो है इजीली अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को क्या कर पाती है, क्रॉस कर पाती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक ड्रग है हमारे पास जैसे कि बारबिट्यूरिक एसिड, ये जो बारबिट्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसका जो नेचर है वो क्या है कि ये इनएक्टिव कंडीशन में होता है, यानी कि CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी नहीं शो करता। जबकि इसी के अंदर अगर हम क्या करें, फिफ्थ पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन कर दें और यहाँ पर 5-5 डाई सब्सटीट्यूटेड बारबिट्यूरिक एसिड बना दें, तो इसकी जो है CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक वीक एसिड है। तो हमने ऑलरेडी बोला कि वीक एसिड और वीक बेसिस जो हैं उनकी हमको रिस्पेक्टिवली एक बेटर एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो क्या कह रहे हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल बारबिट्यूरिक एसिड इज़ इनएक्टिव। कैसा है? इनएक्टिव है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों है इनएक्टिव? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है।
जबकि इसी का जो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है 5,5-डाई सब्सटीट्यूटेड बाई बार्बिट्यूरिक एसिड है, इट इज़ हैविंग अ CNS डिप्रेसेंट एक्शन बिकॉज इट इज़ अ वीक एसिड। इसकी CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर हम वीक एसिड वीक बेस के कंसेप्ट को हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल एक एसिड है, ठीक है, वो वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबली इंटरेक्ट करता है और क्या बना लेता है, H+ आयन को वाटर को डोनेट करके यहाँ बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ आयन, और इससे क्योंकि H+ आयन चला गया तो ये बन जाता है A- आयन। तो ये यहाँ पर क्या है, एसिड, और ये है एसिड का कॉन्जुकेटेड बेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी अनआयनाइज फॉर्म है और ये इसकी आयनाइज फॉर्म है। तो एसिड्स के लिए हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, कैसे रिलेशनशिप को बताएंगे कि pH-pKa इज इक्वल्स टू लॉग डिवाइड के ऊपर आयनाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई अनआयनाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन, ठीक है। आयनाइज मतलब कि A- आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर मैंशन होंगी और अनआयनाइज यानी कि HA जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ मेंशन होगी। तो जब हम इसका लॉगरिथम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, pH-pKa, और pKa और pH वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि किसी भी ड्रग का आयनाइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, उसकी pH वैल्यू पर और उसकी pKa वैल्यू पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेस के लिए, तो बेस के केस में क्या होगा कि जब कोई बेस, ये क्या है हमारे यहाँ पर बेस, क्योंकि क्या डोनेट करता है H+ आयन, तो H+ आयन डोनेट कर रहा है इसलिए ये बेस है। ये बेस जब यहाँ पर डिसोशिएट होता है वाटर की प्रेजेंस में तो अगेन हाइड्रोनियम आयन बनाएगा एक तो, और एक बनाएगा B, यानी कि क्योंकि H+ आयन जो है इसने डोनेट किया है इसलिए ये हो गया बेस, और ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुकेटेड एसिड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से जब बेस यहाँ पर डिसोशिएट होता है तो बेस के लिए जब हम सेम इक्वेशन लिखेंगे हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन, तो pH-pKa इज इक्वल्स टू बेस के केस में उल्टा हो जाएगा, लॉग अनआयनाइज अपॉन आयनाइज। वहाँ पर क्या था एसिड्स के लिए, आयनाइज अपॉन अनआयनाइज, ठीक है, वहाँ पर आयनाइज की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और अनआयनाइज की नीचे आएगी, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, अनआयनाइज ऊपर और आयनाइज नीचे, ठीक है, डोमिनेटर और न्यूमिनेटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज आयनाइजेशन, दैट इज इक्वल्स टू 100 इन ब्रैकेट 1+10 pH-pKa, यानी कि ये जो pH-pKa वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे उसको यहाँ पर इक्वेशन में रखकर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन उसमें 1 ऐड करके 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज आयनाइजेशन, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ हमको कि जो ड्रग्स होती हैं वो वीक एसिड और वीक बेस होती हैं, यानी कि वहाँ पर हेंडरसन हैसलबेच इक्वेशन अप्लाई होती है, और इस इक्वेशन को हम अप्लाई करके pH-pKa वैल्यू निकाल सकते हैं, और उस वैल्यू के बेसिस पर हम परसेंटेज आयनाइजेशन निकाल सकते हैं कि कोई भी ड्रग जो है कितना आयनाइज यहाँ पर होती है, उसके आयनाइजेशन की रेट कितनी है, परसेंटेज कितनी है, क्लियर। सो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं BSP फार्मेसी के साथ। डाउनलोड करें प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आप एज़ पर योर चॉइस डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं और टीचर्स से डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रेडॉक्स पोटेंशियल। देखो रेडॉक्स पोटेंशियल किसका होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस का, और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्पीशीज तो ऑक्सीडाइज हो रही होंगी, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर रिड्यूस हो रही होंगी। ऑक्सीडाइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि अगर किसी जो स्पीशीज है, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का या जो नेगेटिव रेडिकल्स आयन है उनका एलिमिनेट होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसके अपोजिट रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना और ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
तो इस तरीके की रिएक्शंस आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो कोई ना कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा होगा तो कोई उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, हाइड्रोजन निकल रहा होगा तो कोई उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो इस बेसिस पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, और इन रिएक्शंस के अंदर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, अब होता क्या है ये, तो अ रेडॉक्स पोटेंशियल और वी कैन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मे बी डिफाइन एज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन कंपाउंड टू गिव और रिसीव इलेक्ट्रॉन। कि रेडॉक्स पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है, क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है इसको, कि किसी भी कंपाउंड की टेंडेंसी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन्स को देने की या इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की, कि एक कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है, उसकी इस टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। यानी कि ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होता है। ठीक है, थस द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर किसी भी सिस्टम का रेडॉक्स पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन होती है, जहाँ पर E इज इक्वल्स टू, E मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E नॉट। E नॉट मतलब कि जो स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल है वो, प्लस 0.0592 डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब कितने मोल्स का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, मल्टीप्लाई विथ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट। कि रिडक्टेंट यानी कि जो रिड्यूस हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, मतलब कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, रेडॉक्स पोटेंशियल, कि जब हम यहाँ रिडक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ऑक्सीडेंट की कंसेंट्रेशन रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जितने यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ राइबोफ्लेविन इज ड्यू टू ई इज इक्वल्स टू माइनस 0.185 वोल्ट। ठीक है, राइबोफ्लेविन आपकी एक ड्रग होती है, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो कितने रेडॉक्स पोटेंशियल पे देखने को मिलती है, नेगेटिव 0.185 वोल्ट पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से द ऑप्टिमम बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी इन क्यूनॉन्स इज एसोसिएटेड विथ द रेडॉक्स पोटेंशियल इट प्लस 0.03 वोल्ट व्हेन टेस्टेड अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस ओरिएस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम क्यूनॉन्स की बात करें तो क्यूनॉन्स की बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो कितने रेडॉक्स पोटेंशियल पे देखने को मिलेगी, प्लस 0.03 वोल्ट पर। जब इसको कहाँ टेस्ट करते हैं हम, स्टेफाइलोकोकस ओरिएज एक बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट, जब इस क्यूनॉन्स की बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी की, कितना इस बैक्टीरिया को मार सकता है, ठीक है, उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी कितने वोल्ट पर देखने को मिलेगी, कितने रेडॉक्स पोटेंशियल पर, 0.03 वोल्ट पर। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी, एक तो था हमारा आयनाइजेशन और एक था रेडॉक्स पोटेंशियल। आयनाइजेशन तो इस बात को बताता है कि ड्रग कितनी आयनाइज हो रही है, क्योंकि उसके आयनाइजेशन पर उसकी एक्टिविटी डिपेंडेंट है। इसी तरीके से जब हम रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर ड्रग कितने रेडॉक्स पोटेंशियल पर यहाँ पर काम करती है। ठीक है, इसी तरीके की और फर्दर प्रॉपर्टीज जानने के लिए जुड़े रहें बीएसपी फार्मेसी के साथ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।